आज हम तीन तरीके के समर ड्रिंक बनाएंगे जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर गोंद कतीरा लेना है। गोंद कतीरा ऐसा होता है, गोंद कतीरा में शाइनिंग नहीं होती और जो नॉर्मल गोंद होता है उसमें आप देख सकते हैं ऐसी शाइनिंग होती है, ये इसका डिफरेंस है। और गोंद कतीरा पानी में डालते हैं तो वो अच्छे से फूल जाता है और गोंद हमारा पानी में गल जाता है। अब गोंद कतीरा को हम ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देंगे। यदि आपके पास ओवरनाइट के भिगोने का टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे बिल्कुल बारीक कर लीजिए और इसको 1 से 2 घंटे के लिए भिगोएंगे तो भी गोंद कतीरा अच्छे से फूल जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। इसमें 500 ml के बराबर पानी हमें ऐड करना है। इसको हम भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। गोंद कतीरा को गर्मियों की सीजन में ही यूज किया जाता है। अब हम 2 चम्मच सब्जा लेंगे या इसको तकमरिया भी बोलते हैं। सब्जा को बेजिल सीड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें हम कोकोनट वाटर डाल के सोक करने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आइस एप्पल या तड़गोला बोलते हैं इसे, इसको हम ले लेंगे। ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है, गर्मियों में ये मिलता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको हमें ऐसे पानी से अच्छे से धो के उसके बाद हम इसको छील लेंगे। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। इसको हमें पतला पतला स्लाइस में कट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अंदर से जूसी रहता है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत रहता है। इसको हमें ऐसे स्लाइस में कट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रेश कोकोनट लिया है, हमें ऐसा कोकोनट ले लेना है। उसके बाद हमें इसको बीच से ऐसे कट करके इसका पानी निकाल लेना है। इस कोकोनट में 500 ml के बराबर पानी निकला है। इस कोकोनट में से हम ये कोकोनट की मलाई या कोकोनट का फ्लैश भी निकाल देंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं सब्जा भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। ये सब्जा को भी मैंने कोकोनट वाटर में ही सोक किया था। इसको भी अब हम कोकोनट वाटर में ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सब्जा को ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो आइस एप्पल को कट करके रखा था उसे ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ड्रिंक हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल है पर ये पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम दूसरा एक कोकोनट ले लेते हैं। उसको भी हम पानी निकाल लेते हैं बीच से कट करके। हम इसका भी पानी निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक बड़ा चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रू अफज़ा ऐड करेंगे। उसके बाद हमें इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और 2 चम्मच हमें यहाँ सब्जा डालना है। इसके बाद हम यहाँ पर कोकोनट की जो हमने मलाई निकाली थी उसको ऐड कर देना है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रू अफज़ा कोकोनट ड्रिंक भी बनके तैयार हो चुका है। और एक लेमन की स्लाइस डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और ड्रिंक बनाने के लिए कोकोनट वाटर को निकाल लिया है। उसके बाद हमने जो गोंद कतीरे को भिगो के रखा था वो आप देख सकते हैं एकदम आइस की तरह दिख रहा है। इसको हमें इसमें ऐड करना है। ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है, बॉडी के लिए बहुत ही फायदेकारक है। गर्मियों में इसको जरूर से यूज करें। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच गोंद कतीरा ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पर सब्जा को ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नींबू का रस ऐड किया है या 2 TSP बोल सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम यहाँ पर नन्नारी शरबत जो एक रूट का सिरप होता है उसे ऐड करना है।
नन्नारी शरबत दो तरह का आता है, इसमें हम पीला और ऑरेंज दो तरह से ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दो तरह के नन्नारी शरबत को ऐड किया है। ये बहुत ही अच्छा लगता है पीने में और बहुत ही फायदेकारक है गर्मियों में, ये जरूर से बनाएं। इसके बाद हम इसमें कोकोनट की मलाई को ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और लेमन की स्लाइस ऐड करेंगे। ये नन्नारी शरबत बहुत ही अच्छा लगता है। नन्नारी सिरप दो तरह से मिलता है मार्केट में, जैगरी का और चीनी वाला, नॉर्मल शक्कर वाला। आपको जो भी पसंद है आप उसको यूज कर सकते हैं। तीन तरीके के समर ड्रिंक हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग लगते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।